सो हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू कर रही हूँ मैकेन का फ्रेंच फ्राइज़, क्रिस्प एंड डिलीशियस। सो ये एक्चुअली आता है स्टोर फूड, यानी कि आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करते हैं और काफ़ी दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे एक्चुअली आपको हर पैकेट के अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन दिया होता है कि कितने दिन के बाद जाके ख़राब हो जाएगा। तो इसकी जो क्वान्टिटी है 1.25 kg है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी क्वान्टिटी है। और इसमें लिखा भी हुआ है कि 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में मैं ज़्यादा ही कह रही हूँ, उससे भी कम में आप फ्रेंच फ्राइज़ घर में बना सकते हो बिल्कुल मैकडी जैसा। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ले लिया है, तो मैंने इसमें ऑलरेडी पूड़ी को फ्राई किया था, छाना था, इसलिए मैंने उसी को ही करा है। तो एक टिप ये दूंगी कि जब भी आप फ्रेंच फ्राइज़ जैसे ही निकाले फ्रीजर से, तो पानी के नीचे सिंक में थोड़ी देर के लिए डाल दें कि एटलीस्ट वो नॉर्मल सा हो जाए, अदरवाइज वो टूट टूट के निकलना शुरू होंगे और आपको बिल्कुल अच्छी वाली फ्रेंच फ्राइज़ की जो शेप होती है वो मिल नहीं पाएगी। कुछ टूटी हुई होगी, कुछ कुछ कम टूटी हुई होगी। सो मेक श्योर कि पहले सबसे आप उसको अच्छे से फ्रीजर से अगर करके करेंगे, बाहर निकाल के अगर पानी में डालेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, तो बहुत अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। सो आपका मन है आपको किस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए। बहुत अगर आपको क्रिस्पी चाहिए होगा तो आपको एक बार फ्राई करना पड़ेगा, उसके बाद अलग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर डबल फ्राई करना पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा सॉफ्ट खाते हैं, कुछ लोग एकदम ही ऐसा खाते हैं बिल्कुल क्रिस्प। क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ आप जानते हैं कि अगर आप मैकडी में भी खाएंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी लोग ऐसे फ्रोज़न वाले ही क्रिस्प फ्रेंच फ्राइज़ बना के रखते हैं कुछ, और कुछ ऐसे ही रेडी टू मेड होता है वो लोग बना लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस मैंने आपको जो टिप्स दिए आपको वो फॉलो करना है। एकदम से ही ये कहूँगी कि फुल जो गैस की फ्लेम है उस पर ना बनाए, अदरवाइज जो कच्चा रह जाएगा। एक बार बना के थोड़ा रख लें, फिर उसको डबल फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी विद इन 5 मिनट्स अगर आपने फुल गैस पे करा तो आपको 5 मिनट्स में बन जाएगा। तो इस टाइम में चाय और फ्रेंच फ्राइज़ बनाते शाम में थोड़े खाने के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो मेरे हिसाब से अगर आपका मन है तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको बच्चों को देना है तो आप सॉफ्टवेयर वर्जन रखिए। किड्स हैं या फिर आपके टॉडलर, आप डिपेंड उसके हिसाब से हैं। अगर आपके बच्चे खा सकते हैं बिल्कुल क्रिस्प वाले फ्रेंच फ्राइज़ तो फिर आप उनको दे सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। मैं ये कहूँगी कि बड़े लोगों के लिए भी इतने हेल्दी ऑप्शन नहीं, बिकॉज आलू इसमें बहुत ज़्यादा हो, आलू की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो फैट ऑब्वियसली होगा। तो अगर आपके बच्चे बहुत पतले से हैं, अगर आपको चाहिए उनको थोड़ा वेट चाहिए, तो आप फ्रेंच फ्राइज खिला सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप घर पे बना हुआ ज़्यादा खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। घर पे बनी हुई हर चीज़ आलू से रिलेटेड खिला सकते हैं अगर आपको वेट गेन करवाना है, लेकिन बाहर की चीज़ें आप अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रिव्यू देना तो ईजी है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड रिव्यू देना भाई मैं कभी प्रीफर नहीं करती कि आप बाहर की होममेड चीज़ ही घर की आप खिलाएं बच्चों को, तो ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करती है बच्चों के हेल्थ पे रादर देन बाहर की चीज़ें। लेकिन आपको हेल्दी ऑप्शन ही रखना है। ये मैं क्विक रिव्यू देना चाहती थी कि मैकेन का कैसा है। तो मैकेन की मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है ऑलरेडी रेडी टू मेक, क्योंकि अब जो भी खाते हैं वो हम लोग खाते हैं। मेरी बेबी बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करती, वैसे भी उसे बाहर का बहुत ही कम पसंद है, वो घर का ही चीज़ें बना हुआ ज़्यादा प्रेफर करती है। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते हैं। मैं सेकेंड बैच तैयार कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा है। अगर आपका मन है तो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में सब कुछ बता दिया टिप्स कि आपको किस तरीके से बनाना है, सॉफ्ट बनाना है या फिर हार्ड बनाना है, या आप पे टोटली आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने अगर इसको ले लिया तो वो 3 महीने के अंदर अंदर ही आप इसको कंज्यूम कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा देर तक आप ना रखें तो प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि अगर आपने बहुत लेट तक इसको रखा तो भी ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीजर में रहता है तो आपको इतना ध्यान नहीं दे पाओगे फ्रीजर के अंदर क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैंने एक बड़ा सा भगोना ले लिया था जिसमें मैं डायरेक्ट कर रही थी, क्योंकि मैं टिश्यू पेपर यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें क्या होगा इसके बाद जब मैं सर्व कर रही थी तो वो मैं टिश्यू पेपर पर कर रही थी, या फिर मैंने एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर दे दिया था। तो आप इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं आप इसमें, मैंने एक्चुअली इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और नमक ऐड करा था फॉर द टेस्ट। आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो, लेकिन अगर मेरी बेबी को अगर ट्राई भी करना होता तो वो चीज़ ट्राई करती है जो हम खा रहे थे। मैं उसको स्पेशली वो नॉर्मल सिंपल सा नमक वाला वो कुछ भी नहीं खाती है, तो जो हम खाते हैं वो प्रेफरली वही खाना चाहती है। ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप बच्चों को किस तरीके से खिला रहे हैं। ये लास्ट आपको देख सकते हैं कि लास्ट बन के बिल्कुल तैयार है खाने को। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे, लेकिन ये चीज़ है कि हाफ एन आवर के अंदर अंदर, क्योंकि मैंने इनको डबल फ्राई नहीं करा था तो हाफ एन आवर के अंदर अंदर ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो रहे थे। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ। थैंक यू सो मच।